मोबाइल स्क्रीन फ्रीज प्रॉब्लम, फ्री फायर फ्रीज प्रॉब्लम, या फिर कह लें कि मोबाइल टच नॉट वर्किंग। दोस्तों आप सभी प्रूफ के साथ देखो, मैं अपनी गेमिंग करता हूँ, यहाँ पे बीच में ही गेम रुक जाती है, फ्रीज हो जाती है। प्लस यदि तुम नोटिफिकेशन नीचे करते हो तो तुम्हारा नोटिफिकेशन भी यहाँ पे स्टक हो जाता है, जिसको हम फ्रीज बोलते हैं। अब आप इसको कह लो कि भाई टच स्क्रीन नॉट वर्किंग। एंड यहाँ पे दूसरी साइड देखो, ये फ़ोन में इतना टच कर रहा हूँ, तो अभी आप सभी चेक करो मैं यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे टच कर रहा हूँ, स्वाइप लेफ्ट कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है भाई ये फ़ोन। एंड ये ज़्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों के डिवाइस में आती है जिनके पास 1, 2 या फिर 3, 4 GB रैम डिवाइस होता है, कई बार 6 GB होने के बावजूद भी आपकी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। अब देखो इसको जो है लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, कई कहते हैं कि टच स्क्रीन वर्क नहीं कर रही है, टच नॉट रिस्पॉन्ड, या फिर कहने की फ्रीज प्रॉब्लम, टच स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अब देखो ये चीज़ जो है फ्री फायर गेम में भी अप्लाई होती है, अगर तुम गेमिंग करते हो, नॉट ओनली फ्री फायर, किसी चीज़ में भी गेमिंग कर रहे होंगे तो आपको बीच में ही आपकी स्क्रीन जो है स्टक हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन देख लो परमानेंट, आपका भाई यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फोन्स रख के बैठा हुआ है, एंड इसमें सभी में बताऊँगा कैसे तुम्हें इस चीज़ को डन करना है। एंड स्पेशली यदि आपके पास 4, 6, 8 GB तक रैम डिवाइस है तो भी इस वीडियो को एंड तक देख लो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, फॉर एग्जांपल के लिए जिन लोगों का यहाँ पे देखो इस तरीके से स्टक हो जाता है, नोटिफिकेशन पे जाके स्टक हो जाता है, आप नोटिफिकेशन नीचे लाते हो एंड वो बीच में रुक जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होती भाई, और या फिर टच करते हो तो टच भी नहीं इधर उधर होती है। प्लस अगर जैसे कि तुमने गेम को ओपन किया, गेम बीच में ही रुक जाएगी और फिर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, ना वो आगे बढ़ती है, ना कुछ एनिमेशन आती है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। और राइट भाई लोग, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पर लेके आ चुका हूँ, आपको पहला कदम क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पे स्टक हो गया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाके फ्रीज हो गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप टू स्टेप सभी डिवाइस के लिए बताऊँगा, चाहे आपके पास रियलमी, ओप्पो, वीवो, कोई सा भी कंपनी है, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगी चीज़, तभी मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, जो आपकी रीस्टार्ट बटन है इसको जो है इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखना है अप टू द 15 सेकेंड, आपको 15 सेकेंड तक इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, रीस्टार्ट, पावर ऑफ कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं करना, हमें इसको रीबूट करना है, जो कि बैकग्राउंड में आपके डिवाइस को रिफ्रेश करता है, ठीक है। एटलीस्ट 15 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है, यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन, रीस्टार्ट, पावर ऑफ कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसको ऐसी प्रेस एंड होल्ड करके रखें जब तक कि अपने आप जो है स्विच ऑफ नहीं हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप इसको 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, जस्ट 5 मिनट तक वेट करो एंड इसको रीस्टार्ट होने दो, ठीक। एंड रीस्टार्ट करने के बाद अब आप सभी अनलॉक करो अपने आईफोन को। दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है, सॉरी एंड्रॉयड फ़ोन को जो भी है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप ये फॉलो करना है कि आपको जो है जो पावर बटन है ये तो हमने कर दिया है, एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे कि आपके पास छोटे डिवाइस हैं लाइक दिस, मेरे पास 2 GB रैम डिवाइस है सैमसंग का, ठीक है, इसमें मुझे हमेशा ये इशू होता है, एंड मे बी आपके पास अगर 6 GB है रैम तो भी आपको ये इशू होगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जस्ट सेटिंग्स पे जाओ, अब ये वाले डिवाइस में फॉलो कर लो, ठीक है, सभी डिवाइस के लिए। वैसे सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करो स्टोरेज, आपको मैं चेक करा देता हूँ मेन कारण क्या होता है, यहाँ पे लिखो स्टोरेज, इस तरीके से स्टोरेज लिखने के बाद इस तरीके से सर्च करो एंड चेक करो आपके फ़ोन में कितनी टोटल है, कितनी आपने यूज्ड कर डाली है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे पास जो है 128 में से मैंने 107 यूज़ कर डाली है, ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे 20-22 जो है अवेलेबल, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान रखनी, ये तो अभी मेरे पास अवेलेबल जो स्टोरेज है लगभग 21 या फिर कह लें कि 20 GB है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास मैक्सिमम जो है स्टोरेज खाली रही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फालतू की चीज़ें यहाँ पे जाके इमेज देखो, वीडियो 18 GB की पड़ी है, 7 GB की इमेज पड़ी है, फालतू की चीज़ डिलीट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी ही करनी, नहीं तो आपको हमेशा ही इशू होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ फॉलो करनी है, वो है कि आपको जाना सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद इस तरीके से जाओ एंड यहाँ पे चेक करो सॉफ्टवेयर अपडेट, यदि आपके फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आई है लेटेस्ट तो उसको अप टू डेट कर लेना, यहाँ पे चेक कर लिया करो अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलती है एंड यहाँ पे जाके। एंड भाई लोग, यदि तुम्हें जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट की ऑप्शन सबसे लास्ट में देखने को नहीं मिलती है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च बार मिलता है टॉप पे, सभी फोन्स में डिफरेंट डिफरेंस होता है बट ये होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो सॉफ्टवेयर अपडेट, इस पर इसे जाओ एंड अभी मैं आपको छोटे फोन्स में बताऊंगा, आपको कहोगे भाई छोटे फोन्स में ये चीज़ नहीं है, आप बड़े फोन्स में बता रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पे चेक कर लेना एंड आपको मेक श्योर कर लेना कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो है आपका अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद इस तरीके से बैक करो। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि लोगों की यहाँ पे इस तरीके स्क्रीन जो स्टक हो जाती है नोटिफिकेशन में जाके फ्रीज हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स को प्रेस एंड होल्ड करके रखो, इसकी ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाके इस तरीके से मिल जाएगा स्टोरेज यूसेज, यहाँ पे क्लियर कैच करना है एंड देन तुम्हें इसी सेटिंग्स को क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिखो ऐप्स, इस तरीके से लिखने के बाद आपको टॉप पे ऐप्स देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करो एंड देन आपको इसमें जो है सेटिंग्स को फाइंड आउट करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम सेटिंग्स में ही सेटिंग्स को फाइंड आउट करेंगे, ये देखो इस तरीके से देखने को मिल जाती है, यहाँ पे इसकी क्लियर कैच कर दो, ठीक है। देन आपको दोबारा से स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप सभी इस वीडियो में देख लो, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा आपको सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक करो एंड यहाँ से आपको क्लियर कैच करना है, दो हो गए। अब आपको फाइनल में क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज रखनी है,
कोशिश करो कि फालतू की ऐप डिलीट ही कर दो, जो आप यूज़ नहीं करते उनको डिलीट मार दो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो उन ऐप को डिलीट ही कर दो जो फालतू की ऐप्स हैं, खासकर छोटे फ़ोन जिनमें स्टोरेज कम रहती है, कम GB है, तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो आपके में ये डिवाइस में इशू आएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज रखनी है, फालतू की ऐप डिलीट कर दो, ये जितने प्रोसेस बताए ये फॉलो कर लो। लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे कि आपका फ़ोन खुल ही नहीं रहा है, टच वर्क ही नहीं कर रही है, स्टक हो गया है पूरा, तो आप क्या करो, पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, यानी कि दोनों तीनों बटन को एक साथ प्रेस कर रखना है। ये देखो, पावर बटन, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, तीनों को एक साथ इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, अप टू द 15 से 20 सेकंड होल्ड करके रखोगे, ये देखो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, एंड देन थोड़ा सा वेट करना 2 मिनट। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।